हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 12G एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है आई प्रोटेक्शन सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये आई प्रोटेक्शन सेटिंग जो है शेड्यूल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा आई प्रोटेक्शन के नेम के ऊपर आपको टैप करना है, तो आपका ये आई प्रोटेक्शन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये शेड्यूल के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल का पेज ओपन होगा, इसमें आपको सनसेट टू सनराइज पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सनसेट टू सनराइज पे सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन का स्टेटस बार ओपन करके यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन ऑन कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे सनसेट टू सनराइज पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लोकेशन सेटिंग है, दोबारा से अगर आ जाती है तो इस लोकेशन को ऑन कर लेना है। अभी हमने इसे ऑन किया था तो शायद ये ऑन नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये लोकेशन सेटिंग जो ना ऑन करने के बाद आपको जो इसे सनसेट टू सनराइज पे सिलेक्ट करना है, तो आपका शेड्यूल के नीचे ये सनसेट टू सनराइज लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आई प्रोटेक्शन सेटिंग जो है शेड्यूल हो जाएगी। अभी आई प्रोटेक्शन सेटिंग जो है काम कैसे करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका सनसेट होगा, क्योंकि यहां पे देखिए सनसेट लिखा हुआ है, तो सनसेट कब होता है? इवनिंग में, शाम के समय, ठीक है। तो जब भी सनसेट होगा तो आपके मोबाइल फोन की आई प्रोटेक्शन सेटिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले कुछ इस तरीके से रेड कलर की आपकी दिखाई देगी, ठीक है। तो सनसेट के समय जब ये चालू हो जाएगी ना, तो शाम से लेकर पूरी रात तक आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले का कलर इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को रात में यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों को ये प्रोटेक्ट करती है आई प्रोटेक्शन सेटिंग, ठीक है। और ध्यान रखिए कि शाम से लेकर पूरी रात तक आपकी आई प्रोटेक्शन ये चालू रहेगी, लेकिन उसके अगले दिन सनसेट होगा यानी कि सनराइज होगा, ठीक है। यानी कि सुबह सुबह आपकी आई प्रोटेक्शन सेटिंग उसके अगले दिन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, सुबह सुबह। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और शेड्यूल करने का फायदा क्या होता है? शेड्यूल करने का फायदा ये होता है कि आपकी एवरीडे यानी कि हर दिन आपकी ये सेटिंग शाम के समय चालू हो जाएगी और पूरी रात तक ऑन रहेगी और उसके अगले दिन सुबह सुबह ऑफ हो जाएगी। ये प्रोसेस जो आपका ऑटोमेटिक एवरीडे चलेगा, यानी कि हर दिन चलेगा, ठीक है। शेड्यूल करने का ये फायदा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मैंने आपको ये बटन दबा के दिखाया था, आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए आप ये बटन दबा के इस आई प्रोटेक्शन सेटिंग को मैंने चालू कर दिया था, लेकिन आपको ये बटन नहीं दबाना, ठीक है। ये बटन हमें तब दबाना पड़ता है जब हम इस सेटिंग को शेड्यूल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो इस तरीके से काम करती है, आई प्रोटेक्शन सेटिंग हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।